हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राउंड कॉलर नेक। तो ये देखिए, ये हमारी कुर्ती है। तो कॉलर नेक कुर्ती की पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि कॉलर कुर्ती कैसे कट होती है, तो आप देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए हमारी शोल्डर लाइन है। तो जो भी आपका नॉर्मल शोल्डर होता है, जैसे कि 15 है, तो 15 का 7.5 होगा हाफ करके। और जब ऐसे लेते हैं तो 7.5 में 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जब कॉलर नेक होता है, चाहे कोई भी कॉलर हो उसमें 1 इंच बढ़ा के ही लेते हैं। और जो बैक पीस होता है वो 1 इंच उठा हुआ होता है ये फ्रंट पीस से, तो ये 1 इंच उठा हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम नेक कटिंग करेंगे। तो ये राउंड कॉलर है, मतलब बैठा हुआ कॉलर, खड़ा हुआ कॉलर नहीं। तो इसमें नेक की चौड़ाई का और लंबाई का आपको खास ख्याल रखना है। तो जो फ्रंट वाला नेक है इसमें 4.25 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो ये 4.25 इंच चौड़ाई और लंबाई लेंगे 4.5 इंच, तो ये कॉलर का होगा। वैसे जो नेक हमें ओपन करना है वो 7.5 इंच तक करना है। तो 3 इंच का क्या है, हम स्लिट देंगे यहाँ पे, 3.5 इंच या 3 इंच का हम यहाँ पे स्लिट देंगे, तो 7.5 हमारा नेक हो जाएगा। तो इसका हम बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ से फोल्ड है, और इसमें क्या है, राउंड है, तो राउंड नेक लेना है हमने इसमें। तो यहाँ से इस कॉर्नर से तकरीबन 1.25 इंच पर इस तरीके से आप चाहें तो निशान लगा लें, तभी हमारा राउंड होगा। स्टैंड कॉलर में क्या होता है कि हम थोड़ा वी में लेते हैं, मतलब इस तरीके से लेते हैं, पर ये राउंड कॉलर है तो हमने इस तरीके से राउंड करना है इसको। 3 इंच का यहाँ पर हमारा स्लिट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया बैक नेक। चौड़ाई तो ये ही रहेगी इतनी ही, पर 1/2 इंच डीप रखेंगे इसको, ज़्यादा डीप नहीं रखना है। तो बैक में 1/2 इंच का, तो पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। और ये बैक की हो गई है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, शोल्डर जॉइंट कर लेंगे इसके। तो इस तरीके से हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं पहले। दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने स्लिट बनाना है 3 इंच का। तो ये देखिए, मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया हुआ है, ये 2.5 इंच चौड़ा है, 4 इंच लंबा है। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी बराबर में, और यहाँ से 1/2 इंच का भी जो हाफ होता है ना, उतना हम इसको स्लिट देंगे। इसको इस तरीके से कपड़े पे चिपका लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको चिपका लिया है। अब इस तरीके से जो है फोल्ड करके हमने सिलाई करनी है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, और बिल्कुल सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बन गया है। अब मैं कुर्ती उठा लेती हूँ। तो ये देखिए, कुर्ती भी मैंने इसी तरीके से कट लगा लिया है, और इसको हमने इस तरीके से रखना है सीधे साइड से, और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और उल्टी साइड में इसको पलट लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको हम प्रेस कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब कॉलर का नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बुकरम लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको लंबाई में पूरा मैंने जो है 20 इंच कट कर लिया है इसको, और ये इस तरीके से चौड़ाई में 7 इंच है। तो ये फोल्ड साइड है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हम इस तरीके से रखेंगे,
और कुर्ती को आपको इस तरीके से मिला लेना है यहाँ से, और ये इस तरीके से बैक साइड से पकड़ना है, अच्छे से मिलाना है बिल्कुल प्रॉपरली। यहाँ से शोल्डर मिला लेंगे दोनों, और ये देखिए इस तरीके से रखना है हमें, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से हमारा जो है बैक नेक है ये, और यहाँ से फोल्ड है, तो ये फोल्ड साइड का ध्यान रखना है यहाँ से आपको, तो इस तरीके से रखेंगे हम, और इस तरीके से बिल्कुल तसल्ली से करना है इस काम में, आपको जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल आराम से करना है। तो यहाँ से इस तरीके से हम शेप लगाएंगे, तो इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा लेते हैं अभी हम, इसको हम डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से इसके ऊपर से 1/4 इंच का हमने एक और निशान लगाना है इसी शेप का, तो इस तरीके से कर लिया है। जो कटिंग होगी ना वो आपको इस निशान पे नहीं करनी, थोड़ा सा इतना इतना आपको लेना है, तो इस तरीके से बिल्कुल जो हाफ का भी हाफ होता है ना उतना मैंने निशान लगाया है। अब मैं क्या करूँगी इसकी कटिंग करने के लिए ना, मैं पहले एक सीधी सिलाई लगाऊंगी ताकि जब हम कटिंग करें तो इस तरीके से खिसके ना, खिसक जाता है थोड़ा भी तो ये बेकार हो जाएगा, तो एक सिलाई लगा के फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसी गोलाई से जो है मैंने बिल्कुल कच्ची सिलाई लगाई है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारा फोल्ड है, ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से नाप लगाऊंगी बिल्कुल प्रॉपरली करके, यहाँ से कुछ हम इस तरीके से शेप लगाएंगे। ये सिलाई जो है खोल लें, इस तरीके से आएगा ये नेक, इसको हम कपड़े पे सेट करके अच्छे से चिपका लेंगे, उल्टे साइड से चिपकाएंगे, तो जिस तरीके जिस तरफ से चिपकता है ना ये, इस तरीके से वो चीज़ नीचे रखनी है और आपको इस तरीके से इसको चिपका लेना है। तो मैं इसको चिपका लेती हूँ पहले, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अच्छे से इसको चिपका लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, दोनों साइड से आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ना है और उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जब ये हमारी कटिंग हो जाएगी ना, यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहें तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके प्रेस भी कर सकते हैं। मैं जो करने वाली हूँ इस तरीके से इसको फोल्ड करूँगी और कच्ची सिलाई लगाऊँगी ताकि मैं बाद में उसको खोल लूँ। चलिए लगा लेते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद हमें एक और कपड़ा चाहिए होगा इस तरीके से, पर अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कपड़ा रहेगा ये हमारा सीधा रहेगा और इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे इस कपड़े को, ये देखिए इस तरीके से रखेंगे, और सिलाई आप देख लें किस तरीके से होगी, ये यहाँ से इस तरीके से गोल घुमाते हुए यहाँ से सिलाई होगी, बुकरम से बिल्कुल चिपक के होगी, पर बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो चलिए मेरे को जितना कपड़ा चाहिए ना उतना मैं पहले अलग कर लेती हूँ और अब मैं सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको पिनअप कर ले अगर बिगिनर्स हैं तो, आप यहाँ पे जो है पक्की सिलाई लगेगी। इस तरीके से मैंने कटिंग की है यहाँ पे, यहाँ पे भी हमें मार्जिन छोड़ना है सिलाई के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये सेंटर में इस तरीके से मैंने किया है, इसको कट लगाया छोटा सा सेंटर में। अब मैं कुर्ती उठा लूँगी,
तो इस कॉलर को हमने क्या करना है, ये उल्टा साइड है मेरा कुर्ती का, और पहले इस यहाँ से पक्का कर लूँगी मैं, फिर इस तरीके से ये कॉलर को इस साइड से भी पक्का कर लूँगी। चलिए दोनों साइडों से पक्का कर लेते हैं पहले। अब जो कॉलर की सेंटर में हमने कट लगाया था ना, इसी तरीके का कट मैंने बैक में भी लगाया है अपने कुर्ते के बैक में। तो ये इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है हमने, और अब हम इस तरीके से कॉलर को करेंगे। यहाँ पे पहले इतनी सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर इसी यहाँ से इस तरीके से हमने आधा आधा करके कंप्लीट करना है। अब फिर यहीं से पकड़ेंगे ये जो कट है सेंटर का, ये अंदर दबा लें जो भी अनफिनिश है, इस तरीके से दब के ना, और ये मार्जिन पूरा अंदर जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा सीधा साइड है, पहले हमने उल्टे साइड से कॉलर को लगाया था, पर ये इस तरीके से पलट के सीधा साइड हो गया है कुर्ती का, और ये अब इस पर सिलाई लग जाएगी पूरे में। चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से लुक आएगा इसका, और मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। और इसको जो है ना, ये राउंड कॉलर होता है, बैठा हुआ कॉलर, मतलब स्टैंड कॉलर दूसरा होता है और ये राउंड कॉलर होता है, और इसको बैठा हुआ कॉलर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।